नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 90s के सुपरस्टार की पहली फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही साथ बताएंगे कि ये फिल्में किस तारीख को किस दिन रिलीज हुई थी। और दोस्तों इन लिस्ट में सभी सुपरस्टार्स का नाम है जिनमें सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, संजय दत्त हो या फिर हमारे सनी देओल हो। दोस्तों सभी की पहली फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको आज इस वीडियो मैं बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की पहली फिल्म के बारे में, तो दोस्तों शाहरुख खान की पहली फिल्म थी दीवाना, जिसमें उनके साथ दिव्या भारती और ऋषि कपूर जी नज़र आए थे। दोस्तों दीवाना फिल्म रिलीज हुई थी 25 जून 1992 में और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। वही बात करें दीवाना मूवीज़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों दीवाना मूवी ने 1992 में लगभग 14 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट यानी आमिर खान साहब की फिल्म के बारे में, तो दोस्तों आमिर खान की पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक और इस फिल्म में उनके साथ नजर आई थी जूही चावला। आपको बता दें दोस्तों कयामत से कयामत तक फिल्म रिलीज हुई थी 1 मार्च 1988 में और इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 3 करोड़ का कारोबार किया था। वही इस फिल्म ने 1988 में वर्ल्ड वाइड लगभग 6 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के सुल्तान यानी सलमान खान के बारे में, तो दोस्तों सलमान खान की पहली फिल्म थी बीवी हो तो एसी और दोस्तों आपको बता दें यह सलमान खान की सोलो फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में सलमान खान ने एक साइड कैरेक्टर प्ले किया था लेकिन उनकी ये पहली फिल्म मानी जाती है। अगर दोस्तों बात करें बीवी हो एसी की रिलीज डेट के बारे में, तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 अगस्त 1988 में और आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में कमाए थे लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपये। वही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 3 करोड़ का कारोबार किया था। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के सिंघम यानी हमारे अपने अजय देवगन साहब की फिल्म के बारे में, तो दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फूल और कांटे जैसी शानदार एक्शन मूवी से। दोस्तों आपको बता दें फूल और कांटे रिलीज हुई थी 22 नवंबर 1981 में और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस किया था। जी हां दोस्तों फूल और कांटे ने इंडिया में लगभग 6.5 करोड़ का कारोबार किया था 1991 में। वही बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 12.5 करोड़ का कारोबार किया था। आपको बता दें दोस्तों ये फिल्म 1992 की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के अन्ना यानी हमारे अपने सुनील शेट्टी सर की, तो दोस्तों सुनील शेट्टी सर 1999 के टाइम में ही बॉलीवुड में एंट्री ली थी और दोस्तों उस टाइम में अन्ना जैसी बॉडी किसी के पास नहीं थी और उस वक्त अन्ना एक टाइम के बहुत बड़े एक्शन सुपरस्टार माने जाते थे। दोस्तों अगर बात करें अन्ना की फर्स्ट मूवी के बारे में, तो हमारे सुनील शेट्टी सर ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बलवान और दोस्तों बलवान फिल्म रिलीज हुई थी 11 सितंबर 1992 में। अगर बात करें बलवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बलवान ने इंडिया में लगभग 3 करोड़ का कारोबार किया था। वही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 6.5 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों बलवान फिल्म भी काफी अच्छी बड़ी हिट साबित हुई थी। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के एकमात्र सबसे बड़े एक्शन हीरो, जी हाँ दोस्तों सबसे बड़े एक्शन हीरो यानी सनी देओल। दोस्तों सनी देओल ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू किया था फिल्म बेताब से और आपको बता दें इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था उन्हीं के पिताजी यानी धर्मेंद्र सर ने। दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 अगस्त 1983 में और दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें बेताब फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बेताब मूवी ने 1983 में 6.7 करोड़ रुपए का कारोबार इंडिया में किया था। वही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 14 करोड़ का कारोबार किया था। आपको बता दें दोस्तों सनी देओल ने अपनी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट दी थी जिसका नाम था बेताब। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के बाबा यानी हमारे अपने संजू सर, जी हाँ दोस्तों संजय दत्त ने भी अपने बॉलीवुड की शुरुआत की थी अपने पिताजी के प्रोडक्शन की बनी फिल्म रॉकी से। जी हाँ दोस्तों रॉकी फिल्म को प्रोड्यूस भी और डायरेक्ट भी किया था स्वर्गीय सुनील दत्त साहब ने। आपको बता दें दोस्तों रॉकी फिल्म रिलीज हुई थी 7 मई 1983
1981 में, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें रोक्यू मूवी के फर्स्ट डे सॉरी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 1.5 यानी लगभग 1.5 करोड़ का कारोबार किया था। वही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 6.5 करोड़ का कारोबार किया था 1981 में। मतलब कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई थी। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के असली खिलाड़ी यानी हमारे अपने अक्षय कुमार की, तो दोस्तों अक्षय कुमार बॉलीवुड में बिना किसी पारिवारिक मोड़ के ऊपर से आए थे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार का बॉलीवुड में कोई भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष के साथ में बॉलीवुड में डेब्यू किया था बड़ी मुश्किलों के साथ, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें उनकी पहली फिल्म जो कि हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी, उसका नाम था सौगंध। और दोस्तों सौगंध रिलीज हुई थी 25 जनवरी 1991 में। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को बहुत ही लेट रिलीज किया गया था। इसके पहले अक्षय कुमार ने दो फिल्में और साइन कर ली थी, लेकिन सौगंध फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई थी। अगर दोस्तों बात करें सौगंध फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो सौगंध फिल्म ने इंडिया में लगभग 3 करोड़ का कारोबार किया था। वही सौगंध फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था लगभग 8 करोड़ रुपये। और इसी के बाद अक्षय कुमार बॉलीवुड में निकल पड़े और बिना किसी गॉडफादर के आज तक बॉलीवुड में राज करते आ रहे हैं। वही दोस्तों बात करें बॉलीवुड के सबसे बेस्ट कॉमेडी एक्टर यानी गोविंदा सर के बारे में, तो दोस्तों गोविंदा सर ने अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था इल्जाम, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 28 फरवरी 1986 में। और इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए थे। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 4.5 करोड़ का कारोबार किया था। वही वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था 9 करोड़ रुपये। तो दोस्तों ये थी इन सब सुपरस्टार की पहली फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रिलीज डेट। इसमें से आपका फेवरेट हीरो कौन है? अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल, शाहरुख, सलमान, आमिर या फिर संजू बाबा? हमें अपने फेवरेट हीरो का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।